कजन्स कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। घर पर रहिए, मस्ती से पढ़िए, दिल से पढ़िए, ठीक है, जुनून से पढ़िए। एकदम आपका जुनून जो होना चाहिए आपके खून में होना चाहिए, ऐसा पढ़िए, ठीक है। दुनिया वाला को दिखा दीजिए कि हम एक साहसी है और लाख मुझ पर संकट का भार भी टूटेगा, फिर भी हम अपना पढ़ाई से मुंह नहीं मोड़ेंगे और पढ़ते जाएंगे, और अपने पढ़ाई के बदौलत हम उस मुकाम को हासिल करेंगे जहां तक मेरे पापा मम्मी का सपना पहुंचा है, और हमने उसे साकार करके अपने वादे के अनुसार दिखाएंगे इस। चलिए, अब जो आज जो हम शुरू करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका, जिसका नाम है, हम बताए थे पिछले वीडियो में, चैन रूल। जी हाँ, चैन रूल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि चैन रूल क्या है आपका, या आपका क्या है चैन रूल। भाई साहब, इसकी बहुत ही अहम भूमिका है, इसी का नाम हम रखे हुए हैं क्या, बोलिए तो जरा, बात नंबर 3। एस आई, तो हम आपको दिखाते हैं चैन रूल होता क्या है। चैन रूल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह चैन की भांति इस प्रकार से यह जुड़ा हुआ रहता है, सब सबसे कनेक्टेड रहता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो आइए और देखिए फर्स्ट नंबर सवाल, जो चैन रूल पे आइए, कहते आपको क्वेश्चन की टू फाइंड, चैन रूल कहते किसको जरा जानिएगा, कहेगा टू फाइंड डेरिवेटिव, टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ऑफ, देखिएगा ध्यान से, साइन कॉस, समझ रहे हैं, देखिएगा, अब साइन के एंगल में ही है, अब कॉस के एंगल में कुछ आ रहा है, देखिएगा, टेन एक्स टू डी पावर 7। जरा ध्यान से आप सुनिए, इतना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस टेन एक्स टू डी पावर 7। कहने का मतलब यह पूरा एक ही चीज है, आप यह मत सोचिएगा कि साइन अलग, कॉस अलग, टेन अलग और आपका एक्स टू डी पावर 7 अलग है, नहीं भाई, यह पूरा अब क्या है, एक ही फंक्शन है। साइन के एंगल में यह पूरा है, फिर कॉस के एंगल में यह पूरा है, और टेन के एंगल में यह पूरा है, फिर एक्स टू डी पावर 7 है, समझ रहे हैं। जब ध्यान से देखिएगा, आप देख के ऐसे तो हैरान हो रहे हैं, ऐसे आपका मुंह हक्का बक्का हो रहा है कि हमने कुछ अजीबो गरीब सा जीव देख लिए। अरे भाई, आपने अजीबो गरीब सा नहीं देखा है, अब बस यहाँ पर प्लानिंग करना है। जैसे आप देखे हैं ना महाभारत, उसमें अजीब प्रकार का घटोचक आ जाता है, एक पैर रखता है कितना को साफ कर देता है, समझे, तो उससे वैसे ऐसे घटोचक को मारने के लिए क्या करना पड़ता है। अरे भाई, हमें अपना प्लानिंग करना पड़ता है, उस प्लानिंग के अनुसार किस प्रकार हम उस राक्षस को मारते हैं, जरा दिमाग लगाती है, हमारे पास जो भी हथियार रहता है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मेरा प्लानिंग क्या होगा, जरा गौर से सुनिएगा और देखिएगा। बात क्या है कि सबसे पहले तो जो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो लेट वाई इक्वल टू जो भी फंक्शन दिया रहता है डिस्कशन में, सबसे यह महत्वपूर्ण भूमिका कि किसी भी डिस्कशन का सवाल बनाइए, यदि उस फंक्शन में वाई नहीं है तो सबसे आपका प्रथम काम होगा लेट वाई बराबर उस फंक्शन को मान लीजिए। तो लेट वाई बराबर इस फंक्शन को हमने मान लिया, क्या माना, कॉस टेन फिर एक्स टू डी पावर 7, बात समझ गए। अब यहां से हमको सेकेंड स्टेप में करना पड़ता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, कि दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन करने पर, जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लोग डिफरेंशिएशन के मशीन में दोनों तरफ को डाल देते, यह वाई है, वाई को डाले तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको डालेंगे हम लोग तो डी साइन कॉस, देखिएगा गौर से, डी साइन कॉस, ठीक है, फिर टेन फिर एक्स टू डी पावर 7 फिर इस प्रकार से अब बटा डी एक्स, इतना आ गया। अब यहां तो हमने पढ़ा हुआ है कि सर डिफरेंशिएशन का मशीन तो ऐसे काम करता है कि डी, अरे भाई यहां ध्यान दीजिए ना, डी साइन एक्स बटा डी एक्स, कहने का मतलब हुआ मेरा कि सर डी साइन एक्स बटा एक्स रहता है, समझ रहे, तब ये फॉर्मूला लगता है कॉस एक्स,
और यदि ऊपर नीचा एंगल सेम नहीं मिला, वेरिएबल नहीं मिला, तो मेरा तो यह फार्मूला बनता ही नहीं है। तो सर हम इसको कैसे डिस्कशन करेंगे? तो यहां आपको ऊपर में साइन और साइन के एंगल में यह पूरा है, तो हमको यह पूरा बटा में होना चाहिए। हां आपने जरा सा तो सही सोचा, क्योंकि जब ऊपर नीचा सेम होगा तब ये तो डिस्कशन होगा। तो जब ऊपर नीचा सेम होगा तो हमने ऊपर नीचा सेम करेंगे। बस यही बात को ध्यान में रखना है कि फर्स्ट मेरा फंक्शन क्या है, साइन। तो साइन के एंगल में तो अभी पूरा हो गया, तो यहां बटा में यह पूरा आना चाहिए। लेकिन कैसे आएगा जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए हम लोग इसको करेंगे सेटिंग कि d यह तो है साइन, तो साइन, फिर यह पूरा क्या है cos, tan, समझ रहे, x to the power 7, फिर यहां से बंद है बटा। हमको पहले तो साइन का डिफरेंशिएशन करना है ना, तो साइन को हटाएंगे, बाकी यह सब तो इसके एंगल में होगा, इस सभी को हम लोग नीचा लिख देंगे। देख लीजिए cos tan x to the power 7, कहने का मतलब मेरा हुआ भाई साहब प्रथम स्टेप साइन है, तो साइन को डिफरेंशिएशन करने के लिए कि साइन का डिफरेंशिएशन कब होता है, जब साइन के एंगल में जो है वह नीचा मेरा होता है तब। तो साइन के छोड़ के साइन के एंगल में तो इतना पूरा है, तो इस पूरा मेरा बटा में आना चाहिए, तो हमने आना चाहिए, तो हमने सेम टू सेम बटा में लिख दिया। अब जो नीचा लिखे, क्या नीचा लिखे, एगो के छोड़कर, एगो को छोड़कर, सिर्फ साइन को छोड़कर इस पूरा को हमने लिख दिया। अब इसी चीज को जो आप नीचा में लिखे हैं उसको ऊपर डालिए भाई, d cos, ठीक है, फिर tan, d cos tan x to the power 7। अब क्या करना है सर, इसको हमने नीचा लिखे इसलिए कि साइन का डिफरेंशिएशन हो, अब इसको जब नीचा लिखे तो इसको हमको ऊपर लिखना पड़ेगा, नहीं तो मेरा सवाल ही गड़बड़ हो जाए। अब इसको ऊपर लिखे भाई साहब, तो अब cos का डिफरेंशिएशन करना होगा ना, तो cos के एंगल में तो tan x to the power 7 है, तो अब इसके बटा में यह एंगल बना, तो यह अब इसके बटा में होना चाहिए ना। तो आइए d, यह पूरा इसका एंगल है, तो हमने इसको डाल दिया बटा। अब जब इसको एंगल है cos का डिफरेंशिएशन करने के लिए, cos का भी वही कंडीशन है कि cos का डिफरेंशिएशन कब होता है, जब ऊपर सेम है तो नीचा भी x होना चाहिए। अब ऊपर यहां एक cos के एंगल में इतना था, तो हमने नीचा ये पूरा लिख दिया। अब फिर इसको बैलेंस करने के लिए फिर इसको हमको d tan x to the power 7 लिखना पड़ेगा। अब इस tan का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको tan के एंगल में है x to the power 7, तो हमको x to the power 7 लिखना पड़ेगा। फिर अब x to the power 7 को बैलेंस करने के लिए dx to the power 7 बटा, अब यह जो पावर हटेगा तो x। सर इसमें बात क्या होता है, मेन बात वह जरा बताइए। तो आपने सोचिए आपका जो रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है, ठीक है, या हमारा किसी का भी है, तो उस सब रिलेशन में सबसे पहले दूर का रिलेशन क्या होता है, हटता है। जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि एक आपका नानिया है और एक आपके पापा का नानिया है, ठीक है, मतलब दो गो रिलेशन है। कहने का मतलब एक आपका नहीं आला और एक आपके पापा का नहीं आला, उस दोनों में रिलेशन पहले कौन हटेगा? अरे भाई पहले पापा वाला रिलेशन हटेगा, पापा वाला, जो पापा के जो नानी यहां मामा यहां है वहां से पहले तिलवा चुराना बंद, समझ रहे। उसके बाद थोड़ा दिन के बाद क्या होगा, थोड़ा दिन नहीं मतलब जब पूरा, मतलब जब आप बूढ़े हो जाएगा, आपके बेटा बेटी होगा, आपके बेटा बेटी का शादी हो जाएगा, समझ रहे, उसके बाद आपके ससुराल से भी आना बंद हो जाएगा और आपके बेटा का नहीं अल्लाह से शुरू हो जाएगा। मतलब क्या होता है भाई साहब, कहने का मतलब कि यह दो रिलेशन ऐसा है जो पुराना रिलेशन पड़ जाता है, मतलब दूर का वह हट जाता है और सबसे पहले वही रिलेशन टूटता है। मान लीजिए सपोज कि आपके पास 5 दोस्त है, एक दोस्त रहता हो नेपाल, समझ रहे हैं, तो वह दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलता है। क्यों? न आप वहां जा सकते हैं, न वह आपके यहां आ सकता है, और धीरे धीरे वह रिलेशन हट जाता है। कहने का मतलब मेरा सिंपल सी बात कि सबसे पहले यहां दूर का रिलेशन हटाइएगा। अरे भाई दूर का रिलेशन कौन है, इसमें तो पहले हमको यही नहीं पता चल रहा है सर कि दूर का रिलेशन है कौन ना। आज भाई हम किसके सापेक्ष में डिस्कशन करते हैं,
x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, तो x में सबसे दूर कौन सटा हुआ उसको गौर कीजिएगा, देख लीजिए x यहां है और x से सबसे नजदीक है 7, उसके बाद x के बाद कौन सटा, तो tan, उसके बाद cos, उसके बाद sin, इसका मतलब सबसे बाद में कौन आया sin, तो sin मेरा दूर का रिलेशन, तो हमने इधर से sin को हटा दिया, जो बचा उसको नीचे लिख दिया, अब जो नीचे लिखे सेम टू सेम उसको ऊपर लिख दिए, समझ रहे, और फिर इसमें से किसको हटाएंगे, अब इसमें से cos को हम हटाएंगे, क्योंकि आप देखिए cos x के सबसे दूर cos है, और फिर इधर से एक और मतलब cos हटा दिए दूर वाला, तो बच गया उसको नीचे लिख दिए, फिर जो नीचे लिखे उसको ऊपर डालेंगे, अब ऊपर जो हम डाले उसमें फिर जो दूर होगा tan है, तो tan हटा तो x to the power 7 बचा, फिर x to the power 7 में 7 पावर हटा तो x बचा, कहने का मतलब कि सर हम कब तक हटाते जाएंगे, अरे भाई जब तक आपका dx नहीं आ जाता तब तक आप उसको हटाते रहिएगा, और जब dx आ जाएगा तब रुक जाइएगा, अब आपका यह सेटिंग हो गया डिफरेंशिएशन का ना, आइए देखिए sin है और sin के एंगल में यह पूरा हो गया, अरे भाई जैसे आप कहते हैं ना d sin x, तो यह पूरा अब x हो गया और यह भी x हो गया, तो हमने sin का सिर्फ फार्मूला लगाएंगे, जरा ध्यान से देखिए, तो sin का डिफरेंशिएशन होता है cos, और यह x के बदला में कि पूरा है, तो इसी पूरा को सेम टू सेम यहां पर लिख दीजिए cos tan x to the power 7, अरे यहां सिर्फ sin का डिफरेंशिएशन करना है, इन सब का नहीं रे, अरे सिर्फ sin को डिफरेंशिएशन कीजिए, पूरा को सेम टू सेम उतार दे, क्योंकि यह तो उसका एंगल में ना हो गया, एंगल कोई फर्क नहीं होता, समझे, अभी आइए दूसरा स्टेप, जो cos है तो cos का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो cos का तो माइनस sin होता है, और वह एंगल में यह पूरा बात है, तो इसको आपने एंगल में लिखा tan x to the power 7, कोई दिक्कत नहीं रे बाबा, अब आगे है tan, तो tan को हमने चेंज करेंगे, अरे भाई tan का d लगा हुआ है तो tan का डिफरेंशिएशन कीजिए ना, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x टू द पावर 7, क्योंकि यह तो x तो एंगल में है ना, तो tan का किए sec स्क्वायर है एंगल में ही जो था वो, फिर आगे बढ़े x टू द पावर 7, तो ये जो अरे भाई x के पावर n पर, तो x के पावर n कहता है जो पावर है वह गुना में या पावर में से एक घटा दीजिए, अब इसको अच्छा से लिखेंगे हम लोग सजा के, सजाने के बाद क्या है भाई, सबसे पहले हम लोग चिन्ह लिखते हैं, चिन्ह के बाद संख्या लिखते हैं, उस संख्या के बाद जो छोटा फंक्शन होता है उसको लिखते हैं, ऐसे सजाते हैं कि आगे हम उसको लिखते हैं जो छोटा होता है, आगे हम उसको लिखते हैं जो छोटा फंक्शन होता है, ताकि वह आगे दिखाई दे ना, तो पता नहीं चलेगा कि वह एंगल में है या कि अलग है, इसलिए यह छोटा फंक्शन को हम लोग आगे लिख देंगे, देखिए पहले तो साइन लिखेंगे तो माइनस एक जगह है, इसका मतलब माइनस पहले आ जाएगा, उसके बाद छोटा है 7 संख्या, तो संख्या को उसके बाद सबसे छोटा फंक्शन ही होगा x टू द पावर 7 में से एक जाएगा तो 6, तो x टू द पावर 6, अब इधर से लिख दीजिए उल्टा के, अब यह इससे छोटा है थोड़ा सा तो यह हम इसको लिख देंगे, फिर इससे थोड़ा सा यह है तो इसको लिख देंगे, साइन माइनस आगे चल गया है तो tan समझ रहे x टू द पावर 7, फिर इनटू अब इसका बारी आएगा तो cos ऑफ cos tan x टू द पावर 7, यही आपका क्या है आंसर हो गया, इधर dy बटा dx यही आंसर हो गया, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं, ठीक है सर इसको पढ़ेंगे कैसे, आपके मन में ख्याल आया हमने सुन लिया, जरा ध्यान से देखिए कि let y बराबर sin of cos of tan of x to the power 7, बस of पढ़ते हैं इस बीच में, तो हम लोग दूसरा कुछ नहीं, इसको आप नोट कीजिए, और तरह तरह के सवाल से हम अभी आपको मिलाएंगे, जो आपका चैनल जब तक टच नहीं हो जाएगा हमने आपका पीछा छोड़ेंगे नहीं, आइए इसको नोट कीजिए जल्दी से, चलिए अब आइए आगे, आगे आपको इसी तरह से बहुत सारे सवाल मिलेंगे अजीबो गरीब सा, जरा ध्यान से देखिएगा, डराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, मिलते रहेंगे हम आपसे डेली एक वीडियो के साथ, देखिए कह रहा है अब किसका कि इफ y बराबर दे दिया है आपको साइन स्क्वायर रूट अंडर x, समझ रहे हैं, अब इसका कीजिए डिफरेंशिएशन,
कैसे कीजिएगा? अरे यह तो सर जी बहुत छोटा दे दिए ना, आइए देन डीवाई बटा डीएक्स बोलेगा वह, समझ रहे हैं? ना तो डेरिवेटिव बोलेगा, डिफरेंशिएशन बोलेगा, इससे अधिक नहीं बोल सकता है। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, समझ रहे हैं? बस आइए देखिए, अब इसको बनाने के लिए हम लोग इसको सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे हेयर, क्योंकि यहाँ वाई दिया गया है। यदि वाई नहीं रहता तो हम लोग लेट वाई बराबर सबसे पहले मानते, यहाँ तो वाई दिया है तो हम लोग सबसे पहले वाई बराबर यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर रूट अंडर एक्स, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद यह डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा डी साइन स्क्वायर एक्स टू डी रूट एक्स है बटा डी एक्स। अब इसको हमने सेटिंग करना शुरू किया तो आप फटाक से क्या कीजिएगा, देखिए हम आपके अनुसार बना रहे हैं। देखिए साइन स्क्वायर रूट एक्स बटा पे जाएगा, सब साइन हटा दीजिए साइन। अरे भाई अब जब साइन हटाएगा तो क्या यहाँ स्क्वायर रूट एक्स लिखिएगा? है नहीं, तो फिर आइए तो आप कहिएगा सर जी खाली रूट एक्स लिखना दीजिए रूट एक्स। अरे भाई ऐसे मत सोचिए, सोचिए कैसे? हम कहे हैं अभी आपको क्या, दूर का रिलेशन हटता है बाबू। किसका हटता है? दूर का रिलेशन। अरे भाई तो रूट एक्स है ना, तो एक्स में रूट सटा, उसके बाद क्या सटा? तो पहले साइन तब स्क्वायर। अरे आप कहाँ ध्यान देते हैं, साइन स्क्वायर जो है ना स्क्वायर, वो तो ऐसे ना होता है, तो हम लोग इस प्रकार को ऐसे लिख देते हैं। तो देखिए सबसे दूर कौन भाग गया, स्क्वायर भाग गया ना, तो सबसे पहले स्क्वायर हटेगा। हाँ यह आप ध्यान रख लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर पावर होगा तो वह पावर पहले हटेगा, समझ रहे हैं? हाँ आइए देखिए सबसे हम आपको मिलाएंगे, यहाँ पर क्या हटेगा पहले जरा ध्यान सोचिए। सबसे दूर का रिलेशन यह है स्क्वायर, जब स्क्वायर हटेगा तो बटा में क्या बच जाएगा, साइन रूट एक्स। हाँ अब ना हुआ, अब गुने डी साइन रूट एक्स बटा, अब साइन हटा तो डी रूट एक्स, अब गुने डी रूट एक्स बटा डी एक्स। हाँ आइए अब यह किसका फार्मूला लगाइएगा, कहेगा सर डी लगा हुआ है साइन में तो साइन के लगा दीजिए। ना बाबा ना, यहाँ तो साइन पर पावर है तो हमको एक्स टू डी पावर एन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एक्स टू डी पावर एन वाला फार्मूला। तो यहाँ तो पावर दो है, तो अच्छा सर जी एक बात आपको समझ में आया होगा कि सर ये जो पूरा है साइन रूट एक्स, इस पूरा को तो हमने एक्स समझ लिया और पावर दो, हाँ यही बात की है कि अब ये पूरा मेरे लिए एक्स बन गया उसके पावर दो, तो हम लोग एक्स टू डी पावर एन मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है टू एक्स, इसका मतलब टू गुना में, और यह जो पूरा एक्स है वह एक्स हो जाएगा, समझ रहे? तो यहाँ जो आप बात कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका टू इंटू साइन, और दो में से एक घटेगा तो एक हमने नहीं लिखेंगे एक, यह पावर वाला फॉर्म के फॉर्मूला से हम पावर रूट का लगाया। इंटू डी है तो यहाँ साइन है, अब साइन हटा तो साइन का एंगल नहीं है तो अब साइन का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे कॉस, और एंगल जो है सेम टू सेम। फिर रूट एक्स का होता है वन बटा टू रूट एक्स, हम बोले थे डायरेक्ट आपको रूट एक्स का याद रखना है कि वन बटा टू रूट एक्स होता है। अब इसी बात से यह टू इससे कट जाएगा, बराबर हो गया साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स और बटा रूट एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स का। अब इसको जरा आप अच्छा से नोट कीजिए, फिर हम आपको तरह तरह के सवाल से मिलेंगे, अभी भी आप घबराइए नहीं आगे बढ़िए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पर जरा सा ध्यान से देखिए क्या है आपका कि डी, अरे भाई आपसे पूछ देगा कि एक बार यह ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से दे देगा कि डी डी साइन क्यू ई एक्स के पावर सेवन, आप तो देखिए के घबरा जाइएगा भाई कि कितना पावर सर जी आप लिखते हैं। अरे उतना पावर हम लिखते नहीं है, ऐसा है देखिए यह साइन के पावर में है तो ई है एंगल में, और फिर ई के एक्स होता है और एक्स के फिर एक्स है पावर है। अरे भाई तो इतना खाली दे दिया तो हमने कैसे बनाएंगे, तो फटाक से हमने इसको सेटिंग करेंगे। अब इसमें वाईफाई नहीं मानना है, डायरेक्ट बनाना है, क्योंकि वो पहले से मशीन में डाल के दिया हुआ है हमको, तो पहले से जब मशीन डी बटा डी एक्स लगा के दिया हुआ है तो डायरेक्ट हमने मशीन को चालू करके चलाना शुरू कर देंगे। वाह
समझ रहे। अब आइए यहां पर आपने क्या कहा कि साइन पर पावर है, समझ रहे हैं, साइन पर पावर है। तो पहले हम उन साइन पर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल पर पावर हैगा तो हम लोग क्या करेंगे, पावर हटेगा, ये नहीं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल पावर हटेगा, क्योंकि पावर कहां है, साइन पर। तो पहले साइन रहेगा तब तो वो पावर रहेगा ना, तो पहले पावर हटा तब साइन हटेगा। तो यहां से यह पावर हट जाएगा, यहां पर आ जाएगा साइन e के पावर x के पावर 7। अब तब यह नीचे वाला ऊपर करेंगे हम लोग, तो साइन e के पावर x के पावर 7 अब बटा अब साइन हटेगा तो यहां पर हो जाएगा d x के पावर 7 गुने फिर d नीचे वाला ऊपर, तो e के पावर x के पावर 7 बटा अब e हटेगा, e कहिएगा सर पावर हटाइए ना, ना पावर है ना हटेगा, अरे भाई ये e है तो e के फंक्शन में पावर में लिखाता है तो आप कैसे पावर हटा दीजिएगा, यहां e हटेगा क्योंकि e ना एकरा फंक्शन है, उता एंगल ओकरा वेरिएबल के रूप में रहे, जैसे साइन के एंगल में रहता कि e के पावर में रहता है, तो यहां पर हम लोग पावर नहीं हटाएंगे, समझ रहे, ए ट्रिगोनोमेट्रिकल पावर हटाएंगे, लेकिन यहां तो पहले e हटेगा, समझ रहे, यहां क्या हटेगा, पहले e हटेगा e, अब e हट जाएगा तो dx टू दी पावर 7 फिर गुने dx टू दी पावर 7 अब बटा dx यहां तक आएगा, अब हमने रुक जाएंगे, अब डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देंगे, तो यहां sin के पावर का पावर वाला फार्मूला x टू दी पावर n, तो n * x से पावर n - 1, तो यहां sin ऑफ फंक्शन है sin के पावर x है, तो 3 गुना में क्या हो जाएगा, 3 गुना में i into sin और 3 के पावर घटेगा तो 2, और जो एंगल में था वो लिख दीजिए, कहीं से घबराने वाली बात नहीं है, फिर into sin का डिफरेंशिएशन, क्योंकि d sin है तो sin का होता है cos, और फिर एंगल में e के पावर x के पावर 7 है, लिख दीजिए कहीं से कोई, i into फिर e के पावर, अरे भाई e के पावर x का तो वही होता है, फिर यहां x के पावर 7 तो फिर यहां पावर वाला फार्मूला 7 है x के पावर 6, अब हमने पहले चिन्ह लिखेंगे तो सब यहां प्लस ही है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस को हमने नहीं लिखते, जरा ध्यान से देखिए, अब 7 और 3 तो 7 3 21 यह आपका आ गया, फिर into x के पावर 6 फिर अब आएगा e के पावर x के पावर 7 फिर यहां आएगा cos e के पावर x के पावर 7 फिर into sin स्क्वायर e के पावर x के पावर 7 कुछ नहीं, पहले चिन्ह और संख्या लिख देना और उधर से उल्टा लिखते चलना, बात हो जाएगा आपका खत्म, समझ रहे, आइए अब एक सवाल और से हम मिलते हैं, देखिए अब सवाल क्या है, सवाल कह रहा है कि डिफरेंशिएट कीजिए, अरे भाई ना ऐसे दे दिया, देखिए ना root under cot और root under x बटा dx, जरा ध्यान से देखिए, d root under फिर cot फिर root under x इस प्रकार से, सॉरी अजीब गरीब सा सवाल दिखता है, आप गौर से देखिए, अजीब गरीब सवाल थोड़ी, अपना मथा को लेवल बढ़ाना है, देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पर देखिए सेटिंग करेंगे तो d root cot r root x अब बटा d r root को हटाएंगे तो cot root x आ जाएगा, अब हमने इसको गुना में रखेंगे तो d cot r root x हो जाएगा, अब बटा अब cot को हटाएंगे तो d root x हो जाएगा, ना समझे, अरे पहले यहां से रूट हटा, जब ये रूट हटा तो cot आ गया, अब cot ऊपर गया, अब cot में से हमने cot को हटाया तो root x आ गया, अब root x को हमने ऊपर किया तो क्या आया, तो x आ गया भाई, काम हो गया आपका खत्म, dx होगा, ठीक है, अब याद रखिए, अब ये चल जाएगा कौन फार्मूला पर, हां भाई root x, ये root है ये पूरा मेरा x, तो 1/2 रूट x के जगह पे पूरा है तो हमने इस पूरा को लिखेंगे, क्या चीज पूरा भाई, cot रूट x को फिर into cot, cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर रूट x है तो रूट x एंगल में रहेगा, देखिए ना माइनस cot का cosec स्क्वायर ये जो एंगल में है वो एंगल में लिख दिए, फिर into रूट है तो 1/2 रूट x होता है, रूट x लिख दिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं, फिर आप ऊपर वाला को गुना कीजिएगा तो चिन्ह पहले माइनस है माइनस cosec स्क्वायर रूट अंडर x बटा देख लीजिए रूट 2 2 दूना 4 सर बटा में 4 और यहां रूट x है तो रूट x into फिर रूट अंडर cot रूट x यही आपका आंसर हो जाएगा, चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, तक आइए
फिर हम आप आगे की बात करते हैं। देखते रहिएगा कैसे हम लोग सेटिंग करते हैं। सिंपल सी बात है कि हम लोग बाएं तरफ से एक-एक हटाते जाते हैं, जो दूर का रिलेशन होता है उसको हटाते जाते हैं, फिर जिसमें डी लगा होता है उसी का हम लोग जिस फार्मूला पर बैठने वाला होता है उस फार्मूला को उपयोग करकर उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर डालते हैं। ठीक है, आइए देखिए। चलिए देखिए दोस्त, हम कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, सात हो अभी हम बनाएंगे और इस जरा सा ध्यान से आप समझिएगा इस क्वेश्चन को कि बनाएंगे कैसे। ठीक है, उसके बाद आप डिस्कशन बना सकते हैं। एक्सरसाइज आपका होगा 5.2 बेटे से एनसीईआरटी 5.2 का एक्सरसाइज बनाइएगा। कहिएगा सर 5.1 कहाँ गया, तो 5.1 और फिर 5.2 में भी भाई साहब क्वेश्चन नंबर 8 तक ही बनाइएगा, 9 और 10 को आप छुएगा भी नहीं, पढ़िएगा भी नहीं, समझ रहे हैं सर जी। ऐसा क्यों, उसका कारण हम बताते हैं, क्योंकि भाई साहब यह जो 9 और 10 है ना, यह डिफरेंशिएबिलिटी है जो हमने अभी उसका फार्मूला नहीं दिया, और जो आप 5.1 जो देख रहे हैं वह कंटिन्यूटी है जो हमने उसका फार्मूला अभी आपको नहीं दिया, समझे। तो इसका हम लोग आगे बात करेंगे, अभी हम लोग डिस्कशन का बेस को मजबूत कर रहे हैं। तो आप बनाइएगा 5.2 से कहां 8 तक क्वेश्चन को, 5.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 8 तक, समझ गए। ये भी इस क्वेश्चन को बना दो, उसके बाद उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, जो भी दिक्कत होगा हम अगले वीडियो में डाउट के रूप में मिलेंगे, टेंशन नहीं लेने को। आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है जरा ध्यान समझिएगा। कहता है tan qx है, इस tan qx का डिफरेंशिएशन करना है। अरे भाई आइए सॉल्यूशन नंबर 1, सबसे पहले हम लोग लेट y बराबर मान लेते हैं जो भी फंक्शन दिया गया है। देखिए अभी पता है उसी कांसेप्ट से है, चैन रूल से, ओनली फॉर चैन रूल। देखिए लेट y बराबर क्या हो गया, tan qx। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या करना है। अब डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटा dx बराबर d tan qx बटा dx, हमने अभी तो मशीन में डाला, अब करना है डिफरेंशिएशन। तो पहले क्या हटेगा, इसको सेटिंग कीजिए, सेटिंग कीजिए, क्या हटेगा बोलिए जरा जोर से, d, हाँ x क्यू हटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan x गुने हो जाएगा d। अब जब ये q हटा, अरे भाई ट्रिगोमेट्रिकल पर पावर तो पहले पावर, अब tan वाला ऊपर जाएगा tan x अब बटा dx, बस हो गया सेटिंग मेरा। इसको काट दीजिए, जो था पहले वही आ गया, कहीं से कोई घबराने वाली बात नहीं है। आइए तो tan के पावर है तो पावर गुना में, अब पावर में से एक हमने घटाएंगे तो दो बचेगा यहाँ पर, समझ गए। पावर x यह था तो x के पावर n, तो n इंटू एक्स एन माइनस वन, तो तीन में से एक घटा तो दो एक्स, गुने tan के पावर x। अरे भाई tan का फॉर्मूला sec स्क्वायर x, बस यही फॉर्मूला हो गया आपका 3 इंटू टेन स्क्वायर एक्स आई इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यही आपका आंसर हो गया, किसके बराबर, तो dy बटा dx बराबर। ठीक है, आइए सॉल्यूशन नंबर हम लोग 2 की बात करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या कहता है, लेट y बराबर 5 प्लस 7x टू डी पावर 6। जरा ध्यान से समझिएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब हमने डिस्कशन किया था इधर dy बटा dx मशीन में डाल दिए, फिर इधर d 5 प्लस 7x के होल पावर अब बटा dx, फिर यहाँ पहले क्या हटेगा, तो पहले पावर हटेगा क्योंकि पूरा का पावर है, तो पहले पावर हटेगा। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, तो सेटिंग करेंगे d 5 प्लस 7x टू डी पावर 7 6 है, और यह पावर हटेगा तो d 5 प्लस 7x गुने डी यहाँ 5 प्लस 7, तो आप कहिएगा सर जी दोनों में से 5 को हटावे कि 7 को, अरे भाई तो जोर आ गया, अब यहाँ पर आपको जोर वाला नियम, इसलिए आप सीधे लिख दीजिएगा dx, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर कोई एगो यह अलग अलग मतलब दो का फंक्शन हो गया, ये कॉन्स्टेंट अलग हो गया और यह 7x अलग हुए, तो यहाँ जोर है बीच में, यह जोर आ गया तो दो का फंक्शन, तो हमने जोर वाला रूल पर यहाँ से तोड़ेंगे, तो अगला अगला स्टेप में तोड़ेंगे। देखिए ऐसे
या तो ठीक है, अब इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो ये पूरा मेरे लिए x हो गया, और x के पावर 6 हुआ, तो हमने पावर को गुना में लिखा और जो भी है यहां पर x के रूप में 5 7x है। क्या है? 5 7x, इसका पावर हमने 5 लिख दिया। तो x टू डी पावर है, मतलब यह पूरा मेरा x और टू डी पावर 6 था, तो 6 into x के पावर 6 में से ये गया, तो 5 into यहां पर जो है into d, यहां पर क्या है लिख लीजिए, 5 7x है, तो 5 7x था, तो d 5/dx plus d 7x/dx। हमने आपका जोड़ का रूल पढ़ाया है कि यदि जब भी दो को फंक्शन जोड़ के रूप में होगा तो मशीन या डिफरेंशिएशन कहता है, दोनों में अलग-अलग जोड़ के रूप में क्या कीजिए, शिफ्ट कर दीजिए, सिंपल सी बात। तो यह डिफरेंशिएशन इसमें लग गया, इसमें भी लग गया, अब इसका यह तो हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, तो यह ऐसा ही रह जाएगा 5 7x^5 into cost में इसको हम 5 है तो कांस्टेंट का 0 होगा, देख लीजिए कांस्टेंट अकेला है तो 0, और यहां तो कांस्टेंट है 7 के साथ, तो यह कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और यह बच जाएगा dx/dx। अरे भाई dx/dx का वैल्यू होता है कितना, तो 1 होता है, तो यह आपका तो सेम टू सेम उतार दिए, i into 0 हट जाएगा और 7 i into 1 तो 7 सीधा आ जाएगा। अब यह भी संख्या, दोनों संख्या को हमने गुना करेंगे तो 6 7 आपका हो जाएगा 42 और 5 7x के होल पावर 5, यही आपका आंसर। कहीं से कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आइए 3 नंबर क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं। सॉल्यूशन 3, सॉल्यूशन 3 कहता है फिर लेट y बराबर 1/x² - x + 3 के पावर क्या है, जरा ध्यान से देखिए 3। अब यह बटा में पावर है, हमने कहा था कि जो पावर बटा में उसको ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव पावर हो जाता है, क्या होता है नेगेटिव। सर ऐसे 1/x बराबर हमने बताया था कि x^-1, 1/x² बराबर बताया था x^-2, 1/x5 बराबर बताया था x^-5, इसी कांसेप्ट से हमने इसको ऊपर ले जाएंगे। कहेगा सर यू भाई भी नहीं लगा सकते, नहीं भाई पावर सिर्फ है, सिर्फ पावर को ऊपर कर देंगे तो हम यहां क्यों जाएंगे उतना माथा लगाने, सीधा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर हमने क्या करेंगे, ये dy/dx तो ठीक है और बराबर में d, इसको पावर को ऊपर चेंज कर देंगे हम लोग, x² - x + 3 के पावर -3 हो जाएगा और बटा dx। अब यहां पर फिर पावर पहले हटेगा, समझ रहे हैं, पावर मेरा पहले हटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, d सेटिंग करेंगे इसको, dx² - x + 3 2d पावर -3 अब बटा पावर हटा -3 तो बच गया x² - x + 3। ध्यान से करिएगा, फिर d इस चीज को ऊपर लिखेंगे हमने, x² - x + 3 और बटा dx लिख देंगे, क्योंकि यहां सब फिर क्या है जोड़ घटाव का रूल आ जाएगा, यहां फिर तीन गो अलग-अलग फंक्शन है, इसलिए हमने dx लिख देंगे और रुक जाएंगे और आगे हम काम करेंगे। देखिए पावर वाला फार्मूला तो -3 * x² - x + 3, यह पूरा तो मेरा x का काम करेगा यहां, तो अपना x^2 पावर n, यह पूरा मेरा लिए x हो गया, पावर n हो गया, तो n जो है पावर गुना में, n में से 1 घटाएंगे तो माइनस यह 4 होगा, समझ रहे, और * यह जोड़ में है तो जोड़ में dx² / dx, जोड़ कहता है अलग-अलग, फिर माइनस है तो dx/dx, फिर प्लस d^3/dx। अब आगे बढ़िए तो -x² - x + 3 2d पावर -4, cos में x² का होता है 2x, dx के होता है -1 क्योंकि x था और कांस्टेंट का तो 0 हमने नहीं लिखेंगे, यही आपका क्या है आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए जल्दी से, 7 को क्वेश्चन हम लिखे, 3 तक सॉल्व किए हैं, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा जरा गौर से ध्यान के साथ, ठीक है, तो आइए देखिएगा यहां ध्यान से, थोड़ा भी आप दिक्कत हो हमें कॉल कीजिएगा, आपके सेवा में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा हम लगाकर रखे हुए हैं। आइए देखिए क्या बात करते हैं, यह आपका क्या है ध्यान से देखिएगा, हम 5-4 नंबर बात करते हैं ना, सॉल्यूशन 4, सॉल्यूशन 4 क्या कहता है, तो लेट y बराबर e^-5x (cot 4x). देखिएगा ध्यान से, अब बच्चा को यह भी पता नहीं चलता रहता है कि सर कब हम u into v लगाएंगे, कब चैन रूल लगाएंगे, हमको तो पता नहीं चलता।
अरे भाई यू इनटू वी का रूल क्या है कि दो गो फंक्शन होना चाहिए। क्या रूल है? दो गो फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो दो गो फंक्शन को हम पहचानेंगे कैसे? सर जी, अरे भाई दो गो एक्स हो जाएगा ना कहीं भी तो समझ जाएगा वह दो गो फंक्शन है। तीन गो एक्स आ जाएगा तो समझ जाएगा कि वह तीन गो फंक्शन। कहने का मतलब जय गो भरिए गोल आ तय गो फंक्शन। हमने अभी इतना बड़ा लिखा था साइन टाइम कॉस एक, लेकिन इस बीच में एक गो एक्स था नहीं था, सब एक दूसरे से जुड़ा था, अंत में खाली था एक्स के पावर सेवन, एक गो एक्स था। इसका मतलब वह एक ही फंक्शन है और हमने वहां पर चैन रूल प्रयोग करेंगे, समझ रहे? और यहाँ हमने देख रहा है कि एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी, और यह दोनों अलग अलग है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, यह अलग है और यह अलग है। कहने का मतलब यह दो गो फंक्शन है। क्या है? दो गो फंक्शन। तो पहले हमको इसमें यू इंटू भी लगाना पड़ेगा क्योंकि पहले ये गो दो गो फंक्शन है, तो पहले यू इंटू भी लगाएंगे। जरा देखिए ध्यान से हम लोग कैसे काम करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले तो हमने डाल दिया मशीन, तो डी वाई बटा डी एक्स डिफरेंशिएशन लगा दिए, फिर डी यहाँ यू इंटू भी पर आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए कॉट फोर एक्स, कॉट फोर एक्स बटा डी एक्स। अब यू इंटू भी जो हम लगाएंगे तो यू इंटू भी का फॉर्मूला क्या होता है जरा देख लीजिए। नहीं याद है आप याद कर लीजिए। देख लीजिए यू इंटू भी का यू बाहर डी भी बटा डी एक्स प्लस भी बाहर डी यू बटा डी एक्स, बस हो गया। अब इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। देख लीजिए यू मेरा यह होगा तो ई के पावर माइनस फाइव एक्स बाहर इंटू डी कॉट फोर एक्स बटा डी एक्स, फिर प्लस कॉट एक्स को बाहर करेंगे हम लोग फोर एक्स कॉट फोर एक्स इंटू डी ई के पावर माइनस फाइव एक्स बटा डी एक्स। ठीक है, आप देखिएगा आगे आगे आपका e के पावर माइनस फाइव है तो माइ e के पावर माइनस फाइव एक्स हमने कर दिया बाहर। माइनस e के पावर फाइव है, ध्यान समझिएगा कि माइनस है और e के पावर माइनस फाइव एक्स, ध्यान समझिएगा माइनस e के पावर माइनस फाइव। अरे भाई माइनस कहाँ है, सीधा e के पावर माइनस फाइव, तो e के पावर माइनस फाइव एक्स इंटू में इसका डिफरेंशिएशन ऑपरेशन नहीं करेंगे क्योंकि भाई साहब इसमें डी थोड़ी लगा है, यह तो बाहर है गुना के रूप में, तो गुना के रूप में इसमें डी लगा तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएशन होने के लिए कॉट एक्स कॉट एक्स बटा एक्स तब ना, यहाँ तक कॉट के एंगल में फोर एक्स है, तो अरे भाई फोर एक्स पुराइए ना, आपको आता है पुराने, देखिए डी आ कॉट फोर एक्स आ बटा हमने डी फोर एक्स कर दिया आ गुने डी फोर एक्स बटा हमने डी एक्स कर दिया, सेटिंग कर लिया चैन रूल से क्योंकि एंगल में फोर एक्स था, हमको फोर एक्स चाहिए तो फोर एक्स लिया या ऊपर नीचे गुना कर दी, जब ऊपर आ गया तो फिर नीचे डी एक्स लिख दी। अब यहाँ पर इसको तोड़ दे, इतना प्लस है तो प्लस, अब कॉट फोर एक्स गुना में है तो इसको सेम टू सेम आई इंटू डी ई के पावर एक्स तब नहीं एक्स तब नहीं इसका डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ तो ई के पावर है माइनस फाइव एक्स है, तो हाँ ई के पावर माइनस फाइव एक्स आप बटा में भी लिया है माइनस एक्स। अब इस चीज को ऊपर लिखेगा तो डी माइनस फाइव एक्स अब बटा हमने डी एक्स कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़िए, ई के पावर माइनस फाइव एक्स तो रहेगा ही, कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर फोर एक्स, कोई दिक्कत नहीं। आइए फिर फोर एक्स आए तो फोर एक्स का तो फोर बाहर आ जाएगा और एक्स का तो सीधे डी एक्स बटा डी एक्स, कोई दिक्कत। आइए देखिए ध्यान से, उसके बाद क्या है प्लस कॉट है तो कॉट फोर एक्स का कुछ नहीं है, ऐसा ही गुना में इंटू ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स सेम टू सेम जो है वह लिख दिए इंटू यहाँ माइनस फाइव तो इंटू में माइनस फाइव बाहर और डी एक्स बटा डी एक्स। अरे भाई सीधे आप डी एक्स बटा डी एक्स का वन होता है डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ई के पावर माइनस फाइव माइनस है, देख लीजिए पूरा में माइनस ये होता माइनस यह आगे चला जाएगा, समझे? उसके बाद यहाँ फोर है तो फोर भी आगे चलाएगा, जैसे देखिए पहले इतना यहाँ तक प्लस है इसमें पहले चीन है तो चीन यहाँ पहले माइनस है तो माइनस, अब चार है यहाँ तो चार आगे चलाएगा, e के पावर माइनस फाइव एक्स इंटू कोसेक है तो कोसेक स्क्वायर फोर एक्स, एक मान तो वन हो जाएगा, छोड़ देंगे हम लोग। फिर प्लस यहाँ यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे हम लोग, पांच है माइनस में संख्या एक ही है माइनस पांच बार आगे, और e के पावर हम लोग माइनस फाइव एक्स आई इंटू कॉट फोर एक्स तो कॉट फोर एक्स, फिर इसका वन होगा तो इसको छोड़ देंगे और यहीं पर आप आंसर लिख, जैसे आप यहां से कॉमन ले सकते हैं, इससे अधिक नहीं कुछ कर सकते हैं, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम पांच नंबर की बात करते हैं।
पहले ही तो भी फिर चैन रूल लगाए हमने तब जाकर डिस्कशन जैसे जैसे आपका काम बद तरीके से आएगा कभी चैन रूल पहले आ जाएगा यूं तो भी बाद में आएगा कभी यूं तो भी पहले आ जाएगा चैन रूल बाद में आएगा कभी पहले चैन रूल आ जाएगा फिर जोड़ घटाव वाला आएगा पहले कभी क्या होगा जोड़ घटाव आ जाएगा फिर चैन रूल जैसे आएगा वैसे आपको क्या करना है तोड़ना है ठीक है। आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं चार नंबर हो गया पांच छह सात बाकी अभी तीन क्वेश्चन है तो हम लोग पांचवा नंबर की बात करते हैं इसको आप नोट कीजिएगा अच्छा से ठीक है। आइए पांचवा नंबर की बात जो है हम लोग कैसे करते हैं देखिएगा जरा ध्यान से पांचवा नंबर सॉल्यूशन नंबर फाइव लेट ठीक है लेट क्या हो गया आपका वाई नहीं तो वाई बराबर हमने क्या दिया गया है तो कॉस एक्स थ्री इंटू ई के पावर एक्स इतना दिया गया है इसका डिफरेंशिएशन कीजिए कोई दिक्कत नहीं सीधा हम लोग डिफरेंशिएशन किए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दी डी वाई बटा डी एक्स कर लिए फिर डी कॉस फिर एक्स थ्री इंटू ई के पावर एक्स बटा डी एक्स। अब हमने यहां पर कॉस है ना पहले तो पहले कॉस का हम काम करेंगे आप ये मत कहिए सर दू गो एक्स आया दू गो वेरिएबल तो दू गो फंक्शन अरे भाई दू गो फंक्शन आएगा ठीक है लेकिन पहले तो कॉस का काम तमाम कीजिए ना तो कॉस का कैसे डिफरेंशिएशन होता है तो कॉस का डिफरेंशिएशन तो लेके एंगल में होता है आइए देखिए ध्यान से डी कॉस एक्स टू डी पावर थ्री इंटू ई के पावर एक्स अब बटा जिन्हें कॉस को हटाए तो डी एक्स टू डी पावर थ्री इंटू ई के पावर एक्स अब यहां चल गया डी एक्स टू डी पावर थ्री आई इंटू ई के पावर एक्स अब बटा यहां पर डी एक्स आ गया सोचे तो यह जो बात है भाई साहब यह जो बात है यहां हम डी एक्स इसलिए लिखे क्योंकि यहां दोनों में से किसको हटाया आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहां पर दो को फंक्शन अब आया यहां तो अभी एक ही फंक्शन था कॉस और कॉस के एंगल में पूरा था जब ये कॉस के एंगल को हमने अलग किया तो अब यहाँ दो का फंक्शन आ गया अब यहाँ पर u इनटू v टूटेगा इसलिए हम लोग dx दे दिए तो यहाँ तो मेरा जो कॉस है कॉस का होता है माइनस साइन एंगल में जो है वही लिख देंगे आई इंटू यहाँ x के पावर थ्री आई है e के पावर तो u इंटू भी तो यहाँ कोस्ट लिखेंगे हम लोग मध्यम कोस्ट लिखेंगे तब u इंटू भी करेंगे क्योंकि इसमें दो पद आएगा और यह एक ही है u इंटू भी क्या कहता है u बाहर और v का डिफरेंशिएशन तो dv बटा dx प्लस अब v बाहर तो du बटा dx समझ रहे हैं अब यहाँ जो है माइनस साइन एक्स थ्री इंटू ई के पावर एक्स इंटू यहाँ पर एक्स के पावर थ्री इंटू ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स इंटू में है फिर एक्स के पावर थ्री तो इंटू एक्स थ्री एक्स स्क्वायर अब इसको अच्छा से लिखेंगे तो माइनस साइन को एंगल में रहेगा आपका एक्स थ्री और ई थ्री इंटू कोस्टे में यह रहेगा ई के पावर एक्स इंटू क्या हो जाएगा एक्स थ्री और फिर यहाँ पर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर पहले ई के पावर एक्स इसको कोस्ट बंद कर दिए यही आपका क्या है आंसर हो गया कहीं से घबराने वाली बात जो पहले आएगा उस रूल को हम लोग पहले लगाएंगे हमने पांच नियम पढ़ चुके हैं और यह छठा आप चैन रूल पढ़े तो आप सभी कॉन्सेप्ट को आप लगाइएगा यहाँ पहले मेरा चैन रूल आया तब यू इंटू भी तो पहले हमने चैन रूल लगाया तब यू इंटू भी लगाया जैसे आएगा वैसे काम करेंगे लेकिन घबराएंगे नहीं हिम्मत नहीं हारेंगे हम लड़ के आगे दिखाएंगे समझ रहे हैं इसको नोट कीजिए फिर आगे की बात करते हैं हम लोग छ नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से छठा नंबर क्वेश्चन क्या है सोल्यूशन आपका होगा छ लेट y बराबर क्वेश्चन नंबर y बराबर दिया गया है यहाँ पर ठीक है तो आप लेट मानिए या ना मानिए कोई फर्क नहीं है क्या है साइन ठीक है इनटू में साइन x प्लस cos x यह पूरा रूप में है इसको देखिए हम लोग तो डिफरेंशिएशन लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x जो क्वेश्चन वो लिख दिया डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दिया अब इधर में dy बटा dx अभी जगह इधर d साइन रूट अंडर साइन x प्लस कॉस x ठीक है और बटा d अरे भाई आप डायरेक्ट सेटिंग भी कर सकते हैं हम लोग dx लिखते थे आप डायरेक्ट सेटिंग कर दीजिए कहीं से कोई तो यहां साइन है तो साइन के एंगल में ये पूरा है इस पूरा को लिख दीजिए आप साइन x प्लस कॉस x रूट अंडर साइन x प्लस कॉस x कोई दिक्कत नहीं फिर इंटू क्या हो जाएगा ध्यान देखिएगा डी रूट वाला आ जाएगा ऊपर तो डी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अब बटा कथी रूट हटेगा तो डी साइन एक्स प्लस क्या कॉस एक्स ठीक है फिर यहां पर इंटू कोस घेरिएगा क्यों क्योंकि जोर वाला आ गया ना तो डी साइन एक्स बटा डी एक्स दोनों में फिर प्लस डी कॉस एक्स बटा डी एक्स
अरे भाई जोर वाला था तो हमने डायरेक्ट सभी का सेटिंग एक बार कर दिया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, माथा हो गया सियान हो गया हम लोग डायरेक्ट तोड़ दिए, कब तक बच्चा की तरह एक एक पॉइंट को तोड़ते रहेंगे। आ भाई अब यहाँ था साइन, साइन के एंगल में पूरा, तो साइन एक्स बटा एक्स तब तो साइन फॉर्मूला होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है कॉस, और एंगल में पूरा बात है तो पूरा बात आप लिख दीजिए क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर इनटू डी रूट है तो रूट वाला का तो वन बटा टू और रूट अंडर जो है वही बात, यह पूरा मेरा एक्स था, यह हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर गुने यहाँ इनटू में पोस्ट में लिखेंगे हम लोग क्योंकि दोनों जोर में है तो साइन का होता है कॉस एक्स, तो हम लोग यहाँ पोस्ट में लिख दिए कॉस एक्स, और कॉस का होता है माइनस साइन तो हम लोग माइनस साइन लिख दिए, यही आपका आंसर, इतने पर छोड़ दीजिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आइए सातवां नंबर को जरा आप ध्यान से देखिएगा, इसको जल्दी से नोट कीजिए, और सातवां नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं कि सातवां नंबर क्वेश्चन कैसे बनाइएगा जिसका देखे, चलिए देखिए आप सातवां नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से, ठीक है आइए, लेट वाई बराबर सातवां में दिया गया है ई के पावर एक्स इंटू लॉग साइन क्या है साइन टू एक्स, अब यहाँ एक्स वाला ई पूरा ये हुआ फिर इंटू फिर ये हुआ तो फिर यहाँ ई उल्टी भी भाई यहाँ भी मस्त हो जाएगा ये में लॉग लागा है ऐसा नहीं ई के पावर एक्स ये वो फंक्शन ही हुआ फिर यहाँ ये वो फंक्शन ही तो पहले आ गया दो गो फंक्शन तो पहले दो गो फंक्शन तो यू इंटू भी इंटू के रूप में तो पहले यू इंटू भी लगाएंगे और तब यू इंटू भी के अंदर में देख लीजिए यहाँ ये वो एक से टू है साइन थ्री यहाँ पर चैन रूल लगेगा अंदर में जाने के बाद तो पहले तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ डी वाई बटा डी एफ बराबर डी यू इंटू भी पहले देख लीजिए पहले एक यू मानेंगे एक भी तो यू बाहर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हम लोग जल्दी जल्दी काम करेंगे हम लोग सियान हो चुके समझे यू बाहर भी का डिफ्रेंसिएशन तो लॉग साइन टू एक्स ठीक है और बटा डी एक्स लेकिन यह ऐसे नहीं चैनल पर टूटेगा तोड़ेंगे अगला स्टेप में फिर प्लस इसको आइए डी लॉग साइन टू एक्स समझ रहे अरे भाई कहां ध्यान है यू समझ रहे फिर भी तो यू बाहर भी का डिफ्रेंसिएशन प्लस और भी डायरेक्ट बाहर लॉग साइन टू एक्स इंटू डी में अब यू का तो यू है मेरा ई के पावर एक्स बटा डी एक्स ये हमने फॉर्मूला तोड़ा यू इंटू भी का यू बाहर भी का डिफ्रेंसिएशन फिर प्लस भी बाहर यू का डिफ्रेंसिएशन अब बराबर हम लोग करेंगे ई के पावर एक्स इंटू इसको अब चैनल पर सेटिंग करेंगे पहले तो डी लॉग साइन टू एक्स अब d में log x होता है तो हमको x के बदला में पूरा है तो इस पूरा को हम लोग यहाँ लिखेंगे फिर गुणे d sin 2x यहाँ हमने sin 2x अब बटा d sin को हटेगा तो 2x हो जाएगा फिर गुणे d ठीक है अब 2x होगा तो यहाँ dx लिख देंगे फिर प्लस अब यह है log sin 2x समझ रहे हैं फिर e के पावर x से डिफरेंशिएशन कर चुकेंगे क्योंकि इसका हो जाएगा डायरेक्ट हमने कर दिया e के पावर x का e के पावर x से होता है डिफरेंशिएशन d हर बाय dx हट गया डिफरेंशिएशन हो गया अब यहां ध्यान दीजिएगा इसका करेंगे तो e के पावर x * log है तो log x का था 1 बटा x तो x के बदला में यहां sin 2x तो हमने sin 2x लिख दिया फिर गुणे यहां sin है तो sin का होता है cos तो cos आ x के जगह 2x तो 2x लिखेंगे फिर 2x तो 2x का सीधा 2 होता है 2x का सीधा 2 होता है क्योंकि 2 बार dx बटा dx 1 हो जाए फिर यहां लिखिए प्लस log अभी तो हुआ है पहले से तो log sin 2x into e के पावर क्या है आपका ex e के पावर x को आप पहले लिख सकते हैं जिसको पहले लिख दीजिए e के पावर x into log sin 2x यही पर आप आंसर छोड़ दीजिए कहीं से कोई दिक्कत ना है या आप इसको सजा सकते हैं 2 को आगे लिख दीजिए ऊपर में इस ऊपर में बटा में यही आपका आंसर हो गया ठीक है तो दोस्त पढ़ते रहिए और आप बना सकते हैं एनसीईआरटी के 5.2 इसी के बेस पर यह सभी कॉन्सेप्ट के साथ कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस पूरा को आप जल्दी से नोट कीजिए ठीक है जय हिंद जय भारत।